पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट हो गए थे और अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री पेज नंबर 107। आई होप आप लोगों ने पीडीएफ फाइल से अपनी कॉपियां पार्ट टू तक कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 107 जिसकी हेडिंग है कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त। ठीक है, अगस्त में कैलेंडर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब कुछ बुक्स हैं जो जिसमें 2006 का कैलेंडर दिया और कुछ बुक्स जो न्यू बुक्स हैं उसमें 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट तारीख है अब मैं पुराना कैलेंडर सबसे 2006 के हिसाब से बता रहा हूँ, फर्स्ट तारीख स्टार्ट हो रही है ट्यूजडे से। ठीक है, ट्यूजडे से स्टार्ट हो रही है और क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगस्त में 31 डेज का होता है अगस्त में। ठीक है, तो वो ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है और 31 जो तारीख है वो थर्सडे को आ रहा है। क्लियर, 1 से लेके 31 डेज होते हैं टोटल अगस्त मंथ में और जो 1 तारीख है इसकी डेट 1 तो वो ट्यूजडे से स्टार्ट हो रही है और 31 अगस्त है वो थर्सडे को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो कलर ऑफ द संडे इन रेड, तो जो संडे की डेट दी हुई है 6, 13, 20 और 27। ठीक है, तो उसको आपको रेड कलर से हाईलाइट करना है। ठीक है, ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, ठीक है, ये महीना कौन से दिन को समाप्त हो रहा है खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 31 को थर्सडे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने डेज हैं, पहले ही बताया आपको 31 डेज क्योंकि पहले मैंने आपको लिखवाया था कौन से मंथ 30 डेज के होते हैं कौन से 31 के होते हैं, जो अगस्त मंथ होता है वो 31 डेज का होता है। ठीक है, फिर व्हाट डे इज इन ऑन 30 अगस्त, 30 अगस्त कौन से डे को है। ठीक है, तो जो पुरानी बुक में है उसमें संडे सो हो रहा है। ठीक है, तो संडे लिखेंगे कि 13 तारीख के दिन रविवार है। और व्हाट इज द डे ऑन सेकेंड सैटरडे, ठीक है, सेकेंड सैटरडे कौन सी डेट है, तो कैलेंडर देखेंगे उसमें आ रहा है 12, 5 को फर्स्ट सैटरडे है और 12 को सेकेंड सैटरडे है। ठीक है, फिर है व्हाट इज द डेट, ये हो गया, इज द 21 ए संडे, 21 तारीख को संडे है क्या, नहीं, क्योंकि 20 तारीख को संडे है तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। फिर है व्हाट इज द डे ऑन द 29, 29 को कौन सा डे है, व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, तो जो 29 है उस दिन है ट्यूसडे। ठीक है, और सेम डेट तो 5 सितंबर आ जाएगा इसमें। हाउ मेनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में टोटल गुरुवार कितने हैं, थर्सडे कितने हैं, तो 5 है इसमें। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझा दिए हैं, अब एक बार मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। सेकेंड है राइट द नंबर ऑफ डेज
31। थर्ड नंबर है व्हाट डे इज इट ऑन 30 अगस्त। 30 अगस्त कौन सा डे है? तो संडे। फोर्थ नंबर व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट है? 12। 12 तारीख है। फिफ्थ इज द 21st ए संडे। तो यहां पे आ जाएगा 2। सिक्स नंबर व्हाट इज द डे ऑन द 29th। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। तो इसमें आ जाएगा ट्यूजडे और 5 सितंबर। ट्यूजडे और 5 सितंबर। ठीक है। और 7 नंबर है हाउ मेनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ। इस मंथ में टोटल गुरुवार कितने हैं? तो 5। ये इस टाइप से हमारा आंसर कंप्लीट। सबसे फर्स्ट में रेड वाले जो नंबर है, जो संडे वाले नंबर है, हमको हमको रेड करना है। फिर सेकंड वाले में थर्सडे 31, संडे 12, 9, ट्यूजडे और सेप्टेम्बर एंड लास्ट वाले में 5 आएगा। कंप्लीट। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। पेज नंबर 110। पेज नंबर 110 से शुरू करेंगे। व्हाट इज द लाइफ ऑफ कुसुम। ठीक है। कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब इसमें क्लॉक भी बनी हुई है और जो टाइम शो हो रहा है वो हमको बता रहा है, बताना है कि कुसुम सुबह कितने बजे उठी। ठीक है। तो ये तो आपको क्लॉक को देख के टाइम बताना है क्योंकि क्लॉक में टाइम शो हो रहा है किसी बजे की घड़ी में। तो क्लॉक में जो टाइम हो रहा है तो उसमें 6 बजे ही है। तो फर्स्ट वाले का 8 in the 6 in the morning। ठीक है। सेकेंड वाला है सी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है। अब वो बोल रहे कि वो कुएं से पानी कितने बजे लेकर आते हैं। इसमें नंबर लिखा हुआ पर टाइम में शो करना है हमको। इसमें लिखा हुआ है एट 6:30 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्लॉक बनानी है। ठीक है। अब उसमें 6:30 टाइम शो करना है। ठीक है। आप कितना टाइम बता रहे हो? 6:30। 6:30। ठीक है। ये एट 6:30। ठीक है। अब थर्ड वाला, थर्ड वाला है सी क्लीन्स हर हाउ। वह घर की सफाई करती। कितने बजे? इसमें टाइम क्या हो रहा है घड़ी में? 7:30। तो एट 7:30 मॉर्निंग। ठीक है। एट 7:30 द मॉर्निंग। फिर उसके बाद फोर नंबर है सी गोज टू स्कूल।
स्कूल एट 8 o'clock. ठीक है, कितने बजे स्कूल जाती है वो? 8 o'clock. तो इसमें भी हमको क्लॉक बनाकर टाइम शो करना है. फिर नेक्स्ट है सी स्टडी इन स्कूल. वह स्कूल में किस टाइम पढ़ाई करती है तो वो भी हमको बताना है. तो सी स्टडी इन स्कूल तो क्लॉक में जो टाइम शो हो रहा है कितनी बज रही है तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग. सी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल. वह स्कूल से घर कितने बजे वापस आ रही है? 1 o'clock इन द आफ्टरनून. अब इसमें भी हमको टाइम शो करना है. फिर सी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर. वह दोपहर का खाना कितने बजे खा रही है? 2 o'clock. तो हमको लिखना है 2 o'clock इन द आफ्टरनून. ठीक है, फिर सी प्ले विद हर फ्रेंड. वह कितने बजे खेल रही है? 5:30 इन द मॉर्निंग. 5:30 बजे हमको क्लॉक में शो करना है. सी लिसन टू ए स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर द स्लीप. सोने से पहले वह उसकी दादी से कहानियां सुनती है. कितने बजे? 9 o'clock. तो ये भी हमको टाइम शो में करना है. तो नाउ प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ योर ऑन डेली रूटीन. तो डेली रूटीन 6 o'clock हम कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 o'clock इन द मॉर्निंग. हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं? टेकिंग बाथ. कितने बजे नहाते हैं? 7 o'clock. फिर टेकिंग ब्रेकफास्ट. नाश्ता हमारा कितने बजे होता है? 7:20 इन द मॉर्निंग. फिर गोइंग टू द स्कूल इन द बस. तो 8 o'clock इन द मॉर्निंग. कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल. घर से स्कूल से घर कितने बजे आते हैं हम लोग? तो 2 o'clock इन द आफ्टरनून. प्लेइंग विद फ्रेंड्स. दोस्तों के साथ कितने बजे खेलते हैं? 5 o'clock या फिर 5:30 o'clock इन द इवनिंग. फिर वॉचिंग कार्टून इन टीवी. तो 8 o'clock इन द नाइट. ये हमारा डेली कर की चार्ट है कि हम कितने बजे क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया है. और आपको इसमें टाइम शो भी करना है. ठीक है, टाइम ऑफ द डे कि हम लोग कितने बजे समय लिखना है वहां पर. फिर ऑन द क्लॉक. तो उस क्लॉक को टाइम हमको शो करना है. व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम. आप उस समय क्या करते हैं? तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं जैसे उठना जागना, ठीक है, खेलना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, नहाना, दोस्तों के साथ खेलना, स्टोरी सुनना, टीवी देखना, ठीक है, तो ये सब चीजें हमको यहाँ पे राइट करनी है मॉर्निंग से लेके नाइट तक. ठीक है, मॉर्निंग जैसे हम उठे फिर रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से रिटर्न आते हैं, फिर हम लोग लंच करते हैं, फिर उसके बाद खेलते हैं, फिर पढ़ाई स्टडी करते हैं, टीवी देखते हैं, नाइट का डिनर करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग सो जाते हैं. तो इस टाइप से ये हमारा
कंप्लीट हो गया है चैप्टर 7। तो आप लोग सभी बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर 7 को समझेंगे करेंगे, और जो इसकी पीडीएफ फाइल है तो उससे आप अपना कॉपी कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों की हाफ के लिए एग्जाम भी आने वाली है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू।